हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 17 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे स्टॉक में पूछा है, मैं यहाँ पे रैंडमली ले रहा हूँ और जिसने 2-3 स्टॉक के बारे में पूछा है मैं हर एक का एक ही स्टॉक लूँगा, क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम लिमिट रहता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ लिमिटेड स्टॉक ले लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग अपने वीकली व्यू शुरू करने के पहले मैं आपको सबको 15 अगस्त का बधाई देना चाहता हूँ। अपना जो इंडिपेंडेंट डे है उसके लिए हमारे चैनल की ओर से सबको अपने इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाई, स्वतंत्र दिन की सबको यहाँ पे बधाई। आपका स्वतंत्र दिन बहुत अच्छी तरह जाए और आने वाले दिन में भी हम लोग, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, उससे भी हम लोग स्वतंत्र हो जाए और सब लोग अच्छी तरह यहाँ पे हेल्दी लाइफ जिए। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। जैसे कि लास्ट वीक आपने देखा होगा, जैसे कि मार्केट एक स्ट्रगल कर रहा था 11,340 के ऊपर क्लोज होने के लिए। मैंने लास्ट वीक में आपको बताया था कि एक ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन अगर 11,340 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है तो होगा, और वहाँ से मार्केट स्ट्रगल कर रहा है उसका भी मैंने वीडियो बनाया था गुरुवार को। और वहाँ पे देखो, फ्राइडे को वहाँ पे अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट कैसे नीचे गिरा, तो ये अपने टेक्निकल पे ऊपर देखा होगा। तो हमको अगर प्रॉपर टेक्निकल फॉलो करते हैं तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाता है। अभी जैसे कि मार्केट वीक ऑन वीक 36 पॉइंट खाली नेगेटिव है, खाली 36 पॉइंट नेगेटिव हो गया। हमको ज़्यादा नेगेटिव क्यों लग रहा है, क्योंकि वो ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया। इसीलिए अभी मार्केट ने जो हाई बनाया था 11,373 का, यहाँ पे हाई बनाया था, और लो जो बनाया था फ्राइडे को, आपको याद होगा कौन सा लो था, 11,111, जो मैंने वो पॉइंट कभी से आपको दिया है कि पाँच टाइम एक। तो ये पॉइंट मैंने आपको बहुत टाइम दिया होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चार्ट के ऊपर बहुत सारे लाइन लगाते हो, क्योंकि वो पॉइंट्स है, वो लेवल आते हैं और आपको अगर आते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो वो भी आपको याद रखना कि मैं ऐसे ही लाइन नहीं लगाता हूँ। तो अभी मार्केट का एक रेंज है, तो क्या है ऊपर जो है, नीचे से हम लोग सपोर्ट देखेंगे। पहले सपोर्ट जो है 10,880 और ऊपर रेजिस्टेंस है 11,380। तो मार्केट अभी एक डबल टॉप ऐसे बना रहा है। अगर वो डबल टॉप का जो बॉटम है 10,880, अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे 10,500 तक भी आ सकता है टेक्निकली। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक होता है तो, नहीं तो आप पहले से ही पुट लेके बैठोगे। तो सब लेवल देखना, अभी इम्पोर्टेंस लेवल कौन सा है करंट वाला, तो 11,111 ये लेवल इम्पोर्टेंस है जहाँ से मार्केट ने फ्राइडे को सपोर्ट लिया है। अभी ये जो रेंज है मार्केट का, फ्राइडे का जो कैंडल बना है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर उसका हाई या लो ब्रेक होता है तो मार्केट वो लेवल में जा सकता है। तो मार्केट का ऊपर का जो टॉप होने वाला था और ब्रेकआउट होने वाला था, उसको थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया, तो हमको वो भी देखना है। जब तक कि कोई ब्रेकआउट नहीं होता है, कैंडल क्लोज नहीं होता है, तब तक हमको वेट करना है। तो मैं ये समझाने वाला था ये वीडियो में, और आपको मैं चार्ट के ऊपर जाके भी ये बताऊंगा। तो हमको अभी देखना है कि मार्केट डबल टॉप बना के अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो वो नीचे भी जा सकता है, या फिर डबल टॉप फेल होते हैं, ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमको ऊपर वाले लेवल भी मिल सकते हैं। इन बिटवीन हमको जो है कि लेवल पे ट्रेड करना है, ये भी याद रखना। दोस्तों, आने वाले वीक में हम लोग लेवल देखेंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन कौन से इवेंट रहते हैं वो भी देखेंगे। तो ज़्यादा इवेंट नहीं है आने वाले वीक में, मोस्ट ऑफ द इवेंट हो गए और रिजल्ट भी हो गए। अभी रिजल्ट जो बचे छोटे मोटे स्टॉक के बचे, जो कि निफ्टी से ज़्यादा कंसर्न नहीं है, उसमें से एक ऑयल इंडिया है और मुथूट फाइनेंस, जो कि मैं कंपनी बता सकता हूँ जो बड़ा है और सब लोग जानते हैं। बाकी तो छोटे मोटे कंपनीज हैं, उसका इम्पैक्ट इतना मार्केट पे नहीं होगा। और मार्केट कैसे चल सकता है कि थोड़ा बहुत ग्लोबल क्लूज है उसके ऊपर मार्केट चल सकता है। और मैंने ऑलरेडी जैसे कहा कि मार्केट का एक ऊपर और नीचे वाला एक रेंज बन गया, और रेंज है नीचे वाला सपोर्ट 10,880, ऊपर वाला 11,380। तो ये लेवल देखना, ये लेवल ब्रेक होता है तो आइदर साइड ब्रेकआउट हो सकता है। हमको ये सोच के नहीं जाना कि ऐसे ही होगा या मार्केट में वैसे होगा, लेवल पे ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि आने वाले वीक के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी की चार्ट से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वीकली व्यू, तो वीकली व्यू में हम लोग निफ्टी में देखेंगे कि थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मंथली, यहाँ पे मंथली में देखें कि ऑलमोस्ट जैसा मैंने थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया था कि ए लेवल का, ए कैंडल का हाई के आसपास आना चाहिए, कम्प्लीटली नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे
जगह अभी तक पेंडिंग है, बस ऑलमोस्ट ये लेवल आ गया है। तो ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत ये जो है कि रेजिस्टेंस आना एक वाजिब है। हम लोग वीकली देखेंगे, देखिए वीकली में जो है कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे है, तो ये ऊपर वाला रेंज राइट कि अभी आज का ये करंट वीक है, थोड़ा ये हाई मार के थोड़ा नीचे आया, तो हम लोग ये रेंज लेंगे। और जैसे कि नीचे वाला जो रेंज है, जैसे मैंने आपको कहा था 10,880 के आसपास का रेंज है, तो ये रेंज में यहाँ पे वीकली में भी दिख रहा है, तो ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो आइदर साइड ये ब्रेकआउट कर सकता है। हम लोग अभी डेली में जाएंगे, तो डेली में देखिए कि पहले वाला जो हाई बना था मार्केट का 11,340, तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे मार्केट दौड़ सकता है, भाग सकता है। तो मैंने आपको लास्ट वीक में ये कहा था, और ये वीक में मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये ब्रेक नहीं किया, तो उसके पहले भी मैंने थर्सडे को गुरुवार को बताया था कि मार्केट ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता तो क्या होता कि एटलीस्ट इसके ऊपर दो ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे जाके मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है मार्केट को। लेकिन अगर ऊपर वाला लेवल पे रिजेक्शन आ रहा है तो नीचे अगर ये डाउन ट्रेंड आ सकता है, तो कौन सा लेवल पे आ सकता है कि जैसे कि ये जो है कि ये जो डबल टॉप जो बन रहा है, तो ये इसका ये जो मिड जो है वो 11,000 जो आ रहा है 11,880 जो ये लेवल आ रहा है 11,880, तो वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है कम से कम 10,500 के आसपास, क्योंकि उतना ही नीचे वो आ जाएगा जितना इसका डिफरेंस है। लेकिन कभी आ जाएगा जब भी 10,880 अगर ब्रेक होता है, अगर यहाँ से ब्रेक नहीं होते हुए मार्केट रिवर्स भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है, और ये जो यहाँ से देखो नीचे से जो ट्रेंड लाइन आया था अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और वो ट्रेंड लाइन की यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है, और अपना जो लेवल था मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ 11,111 ए लेवल, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये लेवल लगाते हो इतना लाइन है इससे कुछ समझता नहीं है, तो देखिए कि वो लाइन कभी ना कभी यूज आता है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस रहता है। आप धीरे धीरे प्राइजेशन समझने लोगोगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये अभी जो लेवल है 11,111 ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ब्रेक होता है तो नीचे वाला जो इम्पोर्टेंस लेवल मैंने बहुत दिन आपको बताया था 11,031 ये है, और ये अगर नीचे आएगा तो डायरेक्टली मार्केट एकदम नीचे या एकदम ऊपर नहीं जाता, बट अगर नियर जो सपोर्ट है जो कि 555 ए वाला जो है, ये अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आ सकता है। अगर मार्केट, मैंने ऑलरेडी कहा था आपको गुरुवार को कि मार्केट ऐसे ऊपर एक साइड नहीं जाएगा, जाएगा तो थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगा फिर जाएगा, तो ए लेवल पे अगर हमारा थोड़ा व्यू रहेगा तो पूरा नेगेटिव भी नहीं ये पॉजिटिव नहीं भी, थोड़ा सा ये एक साइडवेज व्यू है। अभी ऊपर अगर मार्केट कवर होना है तो एटलीस्ट 11,340 पहले जो था, अभी जो नया बनाया 11,380 के आसपास ये लेवल आता है एक कैंडल का, अगर हम लोग हाई देखेंगे तो है 11 इसका जो हाई बना 11,366 है, तो ये 11,366 ये जो लेवल रहेगा जब भी ये पार करेगा तो ये मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, और ऊपर के लेवल जो मैंने आपको रेगुलर इसमें बताता हूँ 11,685 तक भी जा सकता है। बट अगर ये रिसेंटली 11,111 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा ये नेगेटिवनेस आ जाएगा, और नीचे वाला जो कि ये डबल बॉटम का जो लेवल है 10,880 तक भी आ सकता है, और ये लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट 10,500 तक भी आ सकता है। लेकिन ये बहुत दूर है, और ये जब भी लेवल ब्रेक होता है तभी आपको सोचना है, इमीडिएटली हम लोग कोई कंक्लूजन पे नहीं सोचते, जैसे ऊपर आ रहा है तो ऊपर ब्रेक ही हो जाएगा, ब्रेक होने के लिए दो कैंडल का जो फुलफिलमेंट था उसने नहीं किया, तो इसलिए वो नीचे आ रहा है, और नीचे भी आएगा तो जो नीचे के जो लेवल मैंने आपको बताया तो ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही वो नीचे वाला हैपनिंग होने वाला है। तो फिलहाल अभी जो कि हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे डबल टॉप बनाते हुए दिख रहा है मार्केट को, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए कि नीचे वाले कोई लेवल ब्रेक करता है, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन रहेगा तो काटना है, या फिर नया पोजीशन आप बना रहे हो तो भी टॉप लॉस आपको नया पोजीशन शॉर्ट टॉप बनाना पड़ेगा। अगर नीचे का लेवल नहीं कटता है रिवर्स होता है तो हमको बाइंग के लिए रहना है, बाइंग के साथ भी आपको टॉप लॉस लगाना है। तो आपको मार्केट में व्यू होना चाहिए, वो व्यू गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यू सही हो गया तो अच्छे प्रॉफिट आप वहाँ पे ले सकते हो। तो ये मैंने आपको नज़दीक वाले और दूर वाले भी लेवल यहाँ पे बताए, थोड़े इंट्राडे के लेवल भी देख लेते हैं जो आपको अगर मंडे को ट्रेड करना है। तो मंडे को देखिए 11,179 के आसपास ही अपना ये लेवल यहाँ पे क्लोज हुआ है।
और जो है कि फाइव टाइम वन ए वाला लेवल को सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा दूर के लेवल मिलेंगे इंट्राडे के लिए भी, तो 11,111 के नीचे जाता है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। अभी अपने लेवल के ऊपर ही है, तो ऊपर वाला जो लेवल के ऊपर बाय करना चाहिए, 11,239 के ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नया लेवल लगाने का जरूरत नहीं हुआ, इंट्राडे में भी वही लेवल है हमको हमको दिख रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको प्रेडिक्शन किया है मार्केट का, अगले टाइम नेक्स्ट वीक तक देखो कि ये लेवल कैसे वर्क होते हैं, ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन ऊपर जाएगा तो कौन से लेवल को हमको रिस्पेक्ट करना है, अगर नीचे टूटता है तो कौन से लेवल टूटेंगे तो हमको शॉर्ट जाना है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया और वही आप फॉलो करो। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी बैंक। तो बैंक निफ्टी देखिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी ज़्यादा कवर नहीं हुआ था और ये गिरावट के बाद तो और भी अच्छा एक उसने कैंडल बनाया नेगेटिव वाला, और ये जो इम्पोर्टेंस लेवल था 21,938 के नीचे यहाँ पे क्लोज दिया है। अगर इसके मंडे को भी इसके नीचे ही रहता है तो एक एक नेगेटिव चीज़ है, और ऑलरेडी जैसे बताया कि 21,000 अगर ये ब्रेक करता है तो एक बड़ा गिरावट आ सकता है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट नीचे जो सपोर्ट है 19,457 तक ये आ सकता है। अभी समझो कि ऐसे नहीं होते, अगर ये ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल रहेगा कि वहां से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे रिसेंटली इसने एक हाई बनाया 22,447, अगर ये ब्रेक करके थोड़ा उसके ऊपर सस्टेंड होता है तो हमको थोड़ा बहुत ये रहेगा कि मार्केट यानी बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए कुछ लेवल हमको चाहिए तो मैं बताऊंगा, और इसका जो व्यू है तो हमारे ये अभी तक साइड व्यू है, 21,000 के नीचे जाता तो एक नेगेटिव व्यू एक लेयर कट हो सकता है। पॉजिटिव व्यू होने के लिए 23,210 ये लेवल के ऊपर जाता तो ही एकदम पॉजिटिव व्यू हमारा होगा। इंटरडेली के लिए मंडे के लिए अगर लेवल चाहिए तो देखिए कि अच्छा लेवल जो था यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने 21,558, 21,558 के नीचे जाता तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के लिए इसमें भी हम लोग बड़ा लेवल लेंगे क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ा मंडे को हो सकता है, 21,938 के ऊपर ही इसमें हम लोग बाइंग के लिए ले सकते हैं। नहीं जो कि हम लोग रिलायंस का देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस किसी ने पूछा नहीं लेकिन मैं ये कवर कर रहा हूँ, तो हमने रिलायंस का मैंने लेवल कहा था 21,000 के नीचे जाता है तो इसमें शॉर्ट होगा, अभी तक इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। बाइंग के लिए 21,65 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, तब तक ये बीच में रहेगा तो ये साइडवेज रहेगा। अभी मैं वो स्टॉक बाय ले लूंगा कि जिनके बारे में आपने मुझे पूछा है, तो आशीष करके उन्होंने मुझे M&M फाइनेंस के बारे में पूछा है, तो मैं M&M फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे देखता हूँ। तो देखो M&M फाइनेंस में कुछ न्यूज़ आया था, उसके वजह से ये जो नीचे गिरा है वहाँ पे एक बेस बना रहा है, लेकिन ये बेस कभी होगा अगर वो 138 के ऊपर जाके थोड़ा सस्टेंड होता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल होगा, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। करंट बाई किया होगा तो 125 का स्टिक टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है मुझे हैवल्स के सिद्धार्थ करके उन्होंने पूछा है, तो हैवल्स का चार्ट देख लेते हैं। देखिए हैवल्स ने एक अच्छा डबल जो बॉटम बनाया था और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अभी यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है 688 688 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो टारगेट जो डायरेक्ट नहीं आएगा ऊपर नीचे करके आएगा, करंटली 568 का यहाँ पे टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओवरऑल ये पॉजिटिव है, ऊपर और जा सकता है। नेक्स्ट जो है कि HDFC के बारे में मुझे जयनम करके उन्होंने पूछा, तो HDFC लिमिटेड देखिए कि एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, थोड़ा नेगेटिव है, तो इसमें बाई किया हो तो 728 का आप टॉप लॉस लगा सकते हो। नया बाइंग का मैं यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं देता हूँ। नेक्स्ट है मुझे बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में संजय जी करके उन्होंने पूछा है। देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया है, अगर बाई किया होगा तो 1,300 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो, ये इसके ये लेवल के बहुत नज़दीक है। यहाँ से अगर एक आधा ब्राइन कैंडल आता है, ग्रीन कैंडल आता है और यहाँ से रिवर्स होता है तभी बाय कर सकते हो। फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच का यहाँ पे रखना पड़ेगा। ग्लेनमार्क के बारे में मुझे पूछा है, AG करके उनका नाम दिया शॉर्ट में, तो उन्होंने पूछा है कि 1 साल के लिए ले सकते का। देखिए 1 साल के लिए कौन सा भी स्टॉक का हम गारंटी तो नहीं ले सकते, प्लस फार्मा थोड़ा यहाँ पे उसने जो कि रिकवरी भी किया है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा तो आपको एक लॉन्ग टर्म का टॉप लॉस जैसे कि 400 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा के इसको आप ले सकते हो। फिलहाल इसका जो पैटर्न बना है बहुत अच्छा है, अगर शॉर्ट टर्म में 484 के ऊपर जाता है तो इसमें अभी बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये जो लेवल है जो लाइन ले रहा है 484 यानी 485 आता है, 484 88 जो है
उसके ऊपर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो। ये ब्रेकआउट के ये राउंडिंग बॉटम बना है, तो एक ब्रेकआउट का ये ऊपर वाला कैंडल तक भी शायद उसका टारगेट आ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही देख लेना। आरबीएल के बारे में मुझे उदय करके उन्होंने पूछा है, तो देखिए कि आरबीएल बैंक यहाँ पे ये जो है कि एक पैटर्न बना रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये आपको बाय करना चाहिए। वैसा इसको रिकवरी बहुत अच्छा किया है यहाँ पे, और नेक्स्ट इसका मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ये मोमेंटम होगा कि नज़दीक वाला जो हाई रहेगा ये ब्रेक करने के बाद, यानी कि 194 के ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसमें बाय करो तो चलेगा। करंट टॉप लॉस लगाना है तो 175 के नीचे, 4 के नीचे क्लोज होता है तभी एक एकदम नियर वाला टॉप लॉस लगा सकते हो। कोटक बैंक के बारे में मुझे अनिल साहू जी करके उन्होंने पूछा, तो कोटक बैंक में देखिए एक ट्रेंड का ब्रेकआउट भी हुआ है, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है बाय करना, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये 1299, अगर मैं इसको थोड़ा सा 1300 का लेवल, ये जो एक राउंड फिगर आता है तो 1300 के जब भी ब्रेक करता है इसको आप शॉर्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग, तो ये शॉर्ट के लिए कैंडिडेट है। एसबीआई के बारे में मुझे पूछा है सनीता करके उन्होंने, तो एसबीआई में देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट होते होते यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो 300 के ऊपर 200 के ऊपर ये बहुत ही रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आएगा तो इसका एक सपोर्ट है 192 से 189, तो यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल बना तो आप बाय कर सकते हो, फिलहाल इसमें बाइंग अवॉइड कीजिए। जेबी केमिकल के बारे में मुझे पुरुषोत्तम करके उनने पूछा है, तो जेबी केमिकल के लिए इन्होंने एक लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है, तो ये स्टॉक जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस किया है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कोई भी टॉप लॉस नहीं होता है, फिर भी मैं आपको नियर इसको टॉप लॉस लगा सकते 657 का टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में आपको बाय करना है तो थोड़ा जैसे कि ये नजदीक वाला हाई एक आधा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कि करंट में अभी ये हाई ब्रेक करके वो ऊपर गया तो ये हाई की इधर बाउंस करता है, तभी आप थोड़ा ऐड करोगे, नीचे आता है तो नीचे वाला सपोर्ट के इधर ऐड करो, तो यहाँ पे एसआईपी टाइप बाय करोगे तो चलेगा, और लॉन्ग टर्म में ये बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो है कि टाटा स्टील के बारे में मुझे पूछा है आनंद कश्यप करके उन्होंने, तो टाटा स्टील का हम लोग चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले कुछ अभी इसमें वर्किंग किया था, तो टाटा स्टील का एक मोमेंटम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो करंट वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे नज़दीक है, तो उसका जो नज़दीक वाला रेजिस्टेंस आ रहा है 436 के आसपास, ये वहीं पे खड़ा है, तो इसका 447 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तभी बाय करना चाहिए। ये लेवल पे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, या फिर जब भी ये नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है 370 के आसपास, तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए मौका देख सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मुझे गेल के बारे में मुझे साहिल करके उन्होंने पूछा है, तो गेल देखिए थोड़ा सा अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा फ्राइडे को थोड़ा नीचे आया था, इसका सपोर्ट है 93.56, तो यहाँ पे आके तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, टॉप लॉस 91 का लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है मुझे पूछा है उबाले करके उन्होंने कावेरी सीड के बारे में, तो यहाँ पे कावेरी सीड एक असेंडिंग ट्रायंगल सॉरी असेंडिंग चैनल बना रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है, यहाँ पे बाय करना तो ये चैनल के ऊपर कभी भी चैनल के अंदर एक आधा ग्रीन कैंडल आके रिवर्स होता है तभी तो बाय कीजिए। फिलहाल ये चैनल जो है वेट एंड टूटने का या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने का आप वेट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक होगा तो ज़्यादा नीचे आ सकता है। देन अरो फार्मा के बारे में मुझे पूछा है आलोक करके उन्होंने, तो आरओ फार्मा भी जो फार्मा इन्होंने बहुत अच्छा रैली किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि ये 848 की इधर जो ब्रेकआउट किया था यहाँ पे आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना तो आप उसको बाय कीजिए, या फिर आपको बाय किया होगा तो 848 का एक टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। हिंद जिंक के बारे में मुझे प्रसाद करके उन्होंने पूछा है, तो हिंद जिंक का हम लोग चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, तो हिंद जिंक में भी देखिए कि अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ है, तो जो ब्रेकआउट हुआ है 90 डिग्री में हुआ है, तो ऐसे कभी एक आधे चार शेयर जाता है तो उसको ये नहीं करना है, चेस नहीं करना है, क्योंकि इतने जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये 215 के आसपास आए और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाए तो बाय कर सकते हो, फिलहाल इसमें एंट्री करने बिल्कुल एंट्री मत करो। गोदरेज सीपी के बारे में मुझे मनोहर करके उन्होंने पूछा, तो गोदरेज सीपी देखिए अगर मैं दूर का यहाँ पे लेवल निकालता हूँ तो यहाँ पे एक रिसेशन के यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाय करोगे तो 720 को ब्रेकआउट होता है तो ही बाय करो,
और यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो 663 का टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक के बारे में, मुझे सुरजीत करके उन्होंने पूछा है। तो एक्सिस बैंक देखिए कि जो है बैंकिंग और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे वीक्स है और एक साइडवेज चल रहा है। फिलहाल इसमें कोई चार्ट ये नहीं बनता, कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर बनता है तो 415 की यहाँ पे आके सपोर्ट लेते तो आप बना दीजिए, या फिर कोई इसमें पैटर्न बनता है तो मैं इंटरनेट में बता दूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो जो है डॉक्टर रेड्डी, गिरीश करके उन्होंने मुझे पूछा है। तो डॉक्टर रेड्डी फार्मा स्टॉक है, सभी फार्मा के ऐसे ही चार्ट बने कि एक रैली करने के बाद इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो नियर सपोर्ट की इधर इसको आप ग्रैब करने का कोशिश करो। जैसे 4394 के यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ही बाय करो, यहाँ पे नहीं बना तो नेक्स्ट सपोर्ट है 4187, यहाँ पे आता है तो ही आप इसको बाय करने के लिए कोशिश करो। फिलहाल इसको वेट एंड वॉच आपको करना पड़ेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल में मुझे जो है पूछा है प्राशील करके उन्होंने, तो सेंचुरी टेक्सटाइल का जो चार्ट बन रहा है वो जो एक ट्रायंगल फॉर्मेट बन रहा था उसमें ब्रेकआउट हुआ और फिर से ये साइडवेज गया, तो यहाँ पे जो है कि कुछ अच्छा है, कुछ ये नहीं बन रहा है, इसमें चार्ट पैटर्न में कुछ नहीं बन रहा है। तो एक आधा एक सपोर्ट के यहाँ पे आने के बाद आप बाय कर सकते हो, जो है कि 298 के आसपास आए तो बाय करो 293 का टॉप लॉस लगा के। फिलहाल करंट लेवल पे इस पे कुछ बाइंग नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो है मुझे टाटा पावर के बारे में तालुकेदार जी करके उन्होंने पूछा है। तो टाटा पावर अच्छा मोमेंटम किया है और यहाँ पे नेक्स्ट जो उसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे 58 पे ऊपर है, ये ब्रेक करता है तो ही बाय करो। करंट लेवल में 53 का टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो। अतुल अटो के बारे में मुझे अजय जी ने पूछा है, तो ये अतुल का आप चार्ट देखो, तो ये अगर लॉन्ग टर्म देखो तो बहुत ही अच्छा चार्ट है। ये जो स्टॉक है ये मोस्टली लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए आपको अच्छा है। यहाँ पे अभी ये डबल टॉप बना रहा है, इसमें नया एंट्री होगा A5444 के ऊपर ही इसका नया एंट्री हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए व्यू कर रहे हो तो नज़दीक वाला जो भी एक आधा टर्निंग पॉइंट रहेगा, जैसे कि ये है, या फिर उससे भी आपको नज़दीक चाहिए तो ये वाला है जो कि 4551, इसको टॉप लॉस लगा के आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो 5444 के ऊपर आप इसमें ऐसे ट्रेडिंग करके उसको ले सकते हो। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर इसका स्ट्रांग है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो रेजिस्टेंस के यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो बाय करो, या फिर नीचे नियर वाला सपोर्ट पे यहाँ पे अब बाय करो। एचयूएल के बारे में मुझे भक्तेश करके उन्होंने पूछा है। तो एचयूएल देखिए कि ये भी एक लॉन्ग टर्म वाला ही स्टॉक है, लेकिन अभी बहुत साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे नियर वाला अगर उसका कुछ सपोर्ट बनता है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नियर वाला सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। ये लेवल है 2152 2122, तो ये लेवल पे एक जोन में आने के अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में मुझे मौलिक जी करके उन्होंने पूछा है। तो पिडिलाइट देखिए कि डाउनवर्ड चैनल में जा रहा है, अगर ये अपर साइड में ब्रेक करता है तो आप बाय करो। फ्राइडे का कैंडल इसमें फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये थोड़ा नीचे आने का मुझे चांस लग रहा है। जब भी ये जो है कि ये चैनल को या फिर कोई भी नए नजदीक वाला हाई है इसको ब्रेक करें, जैसे कि 1409 के ऊपर, तो उसको बाय कर सकते हो। अगर नहीं करता है, ये जोन में घूमता है, तो फिलहाल इसको वेट करो, नीचे बाउंस होगा फिर ऊपर ब्रेक करेगा तभी आप उसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे टेक्निकल व्यूज थे, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ही चलेगा, इसमें आपको ट्रेड करने तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। हाय फ्रेंड, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो आप सीख सकते हो ऑनलाइन के ऊपर। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो हमारे यहाँ पे नंबर है, उसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप में टेक्स्ट करके आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।